हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। गुरुग्राम से फरीदाबाद का आने जाने का सफर अब महंगा हो चुका है। जी हां, टोल कंपनी ने टोल टैक्स की दरों को 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ा दिया है। नई दरें लागू होने के बाद अब रोजाना गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच सफर करने वालों की टेंशन बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम से फरीदाबाद आने जाने वाले लोगों को अब और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। वजह है गुरुग्राम फरीदाबाद टोल की बढ़ी हुई दरें। नए रेट के मुताबिक कार चालकों को अब 20% तक ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। ट्रकों को पहले सिंगल सफर के लिए 250 और डबल के लिए 375 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब सिंगल के लिए 280 रुपए और आने जाने के लिए 420 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह बस और स्कूल बस के लिए अब सिंगल के लिए 150 और डबल के लिए 225 रुपए देने होंगे। इस तरह SLV को अब सिंगल के लिए 130 रुपए और डबल ट्रिप के लिए 195 रुपए देने होंगे। साथ ही निजी कार से एक तरफ का सफर 30 रुपए और आना जाना करने पर 45 रुपए चुकाने होंगे। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए गुरुग्राम फरीदाबाद और सोहना बल्लभगढ़ रोड मुख्य मार्ग है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बंदवाड़ी में टोल प्लाजा है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड का इस्तेमाल मांगर, पाली, सूरजकुंड, ग्वाल पहाड़ी, घाटा, बंदवाड़ी आदि गांव में रहने वाले लोगों के साथ दिल्ली के छतरपुर, मेहरोली, सुल्तानपुर व वेलव्यू सिटी के लोग भी करते हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड से 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां रोजाना गुजरती है, जिनमें से करीब 50,000 वाहन बंदवाड़ी टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं। ऐसे में टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरों ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और टोल की दरों को बढ़ने के बाद एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ता हुआ हर दिन कुछ ना कुछ महंगा हो रहा है और लोगों के लिए अब जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। महंगाई के इस दौर में कभी LPG गैस के दाम बढ़ते हैं, आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, और जब उससे भी शांति नहीं मिलती तो अब गुरुग्राम फरीदाबाद के टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले टोल के जो टैक्स हैं वो बढ़े थे और अब जो है गुरुग्राम फरीदाबाद टोल टैक्स में भी इजाफा हुआ है। 5 रुपए से लेकर 75 रुपए ये इजाफा है। कार चालकों को, ट्रक चालकों को अब जो है ज्यादा महंगा टोल देना होगा। ट्रक चालकों के लिए 280 रुपए टोल निर्धारित किया गया है। ये वो रास्ता है जहां से हर दिन 1 लाख के लगभग गाड़ियां अप डाउन करती हैं और दिल्ली NCR के दोनों क्षेत्र हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद। दिल्ली के भी कई लोग जो है इस टोल का इस्तेमाल करते हैं। गुरुग्राम से फरीदाबाद जो नौकरी पेशा बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो दोनों शहरों में आना जाना इस टोल के जरिए करते हैं। तो इस टोल के जो रेट बढ़े हैं तो जाहिर तौर पर रोज जो अपडाउन करने वाले हैं उनकी आवाजाही पर फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि हर दिन आने जाने में जो कार चालक हैं उनको भी अब महंगा टोल देना होगा। 5 रुपए से लेकर 75 रुपए का टोल टैक्स इस टोल प्लाजा पर अब पड़ चुका है। ये टोल प्लाजा गुरुग्राम फरीदाबाद हाईवे पर है। कार चालकों को एक तरफ के 30 रुपए देने होंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो ट्रक चालक हैं उन्हें 280 रुपए एक तरफ का देना होगा। तो 75 रुपए के लगभग बढ़ोतरी होना वाकई ये बड़ी बात है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जो इस हाईवे से रोज ट्रैवल करते हैं। और मुख्य तौर पर जो ट्रक्स हैं, जो लोडिंग व्हीकल हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण पिलर होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और लोगों तक उनकी नीड्स भी इन्हीं ट्रक्स के जरिए पहुंचती हैं। ऐसे में टोल टैक्स 75 रुपए बढ़ाया जाना बहुत ज्यादा महंगा है। कार चालकों के लिए बहुत ज्यादा महंगा नहीं है टोल और कम बढ़ोतरी हुई है, 5 रुपए बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो ट्रक्स हैं, जो लोडिंग व्हीकल हैं, उनके लिए 75 रुपए के लगभग जो है टोल बढ़ा दिया गया है। 280 रुपए अब टोल की कीमत हो गई है। तो ये तमाम जो लोडिंग व्हीकल संचालक हैं उनके लिए एक झटका है बड़ा, जो लोडिंग व्हीकल यहां से रोज जो है अप डाउन करते हैं इस हाईवे से। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद के रास्ते पर जो टोल पड़ता है उसका भी टोल पड़ गया है। ये वाकई बड़ी बात है कि आपको हरियाणा से हरियाणा में ही ट्रैवल करना है और दोनों क्षेत्र दिल्ली NCR से सटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको सबसे बड़ी बात यह कि टोल देना है वहां पर।
और टोल देना है तो टोल के दामों में इजाफा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद इतनी तादाद में लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की रियायत को देखते हुए या उनकी परेशानियों को देखते हुए ये क्यों नहीं समझा जाता कि जनता के ऊपर ऊपर अभी अतिरिक्त बोझ डालने का समय नहीं है। ये जो वक्त है, ये वक्त जनता का साथ देने का है, लोगों का साथ देने का है। कई परिवारों ने अपनों को खोया, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के बिजनेस ठप हो पड़े हैं और दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, लोगों के पास पैसे की आमदनी कईयों के पास खत्म हो चुकी है, कईयों के पास कम हो गई है। और ऐसे में महंगाई की मार, कभी एलपीजी गैस के दाम बढ़ जाते हैं, कभी दूध के रेट्स बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट तो हर दिन बढ़ ही रहे हैं। पेट्रोल जो है अब आम आदमी की पॉकेट से आउट ऑफ रीच हो चुका है, इतना ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल। आम आदमी पेट्रोल की गाड़ियों से अब कहीं पर भी लॉन्ग जर्नी करने का सोच भी नहीं रहा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। और इसी बीच अब देखिए टोल टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, गुरुग्राम फरीदाबाद टोल प्लाजा पर अब टोल टैक्स बढ़ गया है। जो लोग रोज गुरुग्राम फरीदाबाद ट्रैवल करते हैं, रोज यहीं इसी टोल से अप डाउन करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ाया गया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, क्या महंगाई की मार लोगों पर इन दिनों कम पड़ी है जो अब टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया? राजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजा, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से हम राजा का रुख करेंगे, जो हमें बताएंगे कि आखिर जो ये टोल टैक्स पड़ा है, इससे कितना प्रभाव लोगों के ऊपर, यहां से ट्रैवल करने वालों पर पड़ेगा। तो गुरुग्राम फरीदाबाद टोल टैक्स बढ़ गया है, अब 5 रुपए से लेकर 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। जो लोग कार से आते जाते हैं उनको 5 रुपए ज्यादा देने होंगे, और जो लोग ट्रक्स के जरिए सामान पहुंचाते हैं, मुख्य तौर पर जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम बिजनेसमैन हैं, वो इसी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है अपना व्यापार करते हैं, तो उनके लिए एक झटका है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ने के बाद और अब टोल टैक्स बढ़ने के बाद और ज्यादा महंगा होगा। हमारे सहयोगी राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, लगातार महंगाई की मार लोगों के ऊपर ऑलरेडी पड़ रही है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कुछ ना कुछ महंगा ना हो। अब गुरुग्राम फरीदाबाद जो टोल है, वहां से रोज 1 लाख के लगभग गाड़ियां ट्रैवल करती हैं, और उनके लिए इस वक्त में टोल बढ़ाना। और बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से हम बात करें, महंगाई काफी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे हम कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की रेटों की बात करें, या फिर अलग अलग खाद्य सामग्री की बात करें, तेल ऑयल की बात करें, और अब जिस तरीके से गुरुग्राम फरीदाबाद के जो टोल के रेट हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। साफ तौर पर जो टोल 38 रुपए का था, अब उसी 45 रुपए कर दिया गया है। तो साफ तौर पर 7 से 8 रुपए जो जिस तरीके से टोल महंगे हुए हैं, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो डेली अप डाउन कहीं ना कहीं गुरुग्राम फरीदाबाद से लोग करते हैं, और फरीदाबाद से कहीं ना कहीं गुरुग्राम से फरीदाबाद करते हैं, उन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे में कोरोना काल चल रहा है, और जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक जरूर हुआ है, पर जिस तरीके से जो महंगाई है वो चरम सीमा पर नजर आ रही है। ऐसे में सरकार से लोग कहीं ना कहीं गुहार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत देने की काम सरकार जरूर करे। जी जी आप बिल्कुल राजा, आप एक तरफ लोगों की परेशानियां पेट्रोल डीजल ने ऑलरेडी इतनी बढ़ा रखी है, और सबसे ज्यादा असर, पहले तो आप ये बताएं राजा, कितना कितना टोल बढ़ा है और कितना ज्यादा पे करना होगा? जो 75 रुपए है वो किस व्हीकल के लिए, और इसका प्रभाव कितना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर? जी बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जो डबल साइड है, यानी कि आप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं टोल की स्लिप लेते हैं, तो जो टोल 38 रुपए का था वो 45 रुपए का हो गया। साफ तौर पर जो हैवी व्हीकल है उन पर साफ तौर पर 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो हैवी व्हीकल अप डाउन करते हैं फरीदाबाद गुरुग्राम, उन पर साफ तौर पर 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बारे में हम लगातार जो टोल मैनेजर है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें, ऑफिस लोग जाते हैं सुबह, और ऐसे में आज जिस तरीके से टोल के रेट बढ़े हुए लोगों को मिले, काफी ज्यादा गुस्सा हुए। लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग परेशान हैं। ऐसे में पेट्रोल के रेट लगातार आसमान छू रहे हैं, कई राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। लगातार रेट कहीं ना कहीं डेली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पर साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार
कहीं ना कहीं इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से जो बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है, ये उसको लेकर नाराजगी जो है लोग कहीं ना कहीं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें जिस तरीके से अनलॉक के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अब जो टोल के रेट बढ़े हैं, साफ तौर पर जनता पर डबल कहीं ना कहीं अटैक है, डबल मार कहीं ना कहीं जनता को झेलने को मिल रही है। जनता में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, पर जनता को सरकार से काफी ज्यादा उम्मीद है। जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार इस बारे में सोचेगी और जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकालेगी। जी जी बिल्कुल, और गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों दिल्ली एनसीआर से सटे हुए हैं, और एक तरीके से पूरा एनसीआर रीजन एक ही है, लेकिन सेम राज्य के होने के बावजूद भी गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में इतना टोल लगना, जाहिर तौर पर ये बेहद नाजायज है, क्योंकि कई लोग जो हैं, कई परिवार जो हैं गुरुग्राम फरीदाबाद में रहते हैं, और कई लोग जो है रोज ऑफिस के लिए अप डाउन करते हैं, कई फैक्ट्रियां इसी तरीके से चलती हैं, गुरुग्राम में किसी का बिजनेस होता है, फरीदाबाद कोई रहता है, फरीदाबाद में किसी की दुकान होती है, वो गुरुग्राम में रहता है, तो इस तरीके से एक प्रदेश के लोग और दोनों जो शहर है वो एक ही प्रदेश के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना टोल, ये कोई इंटर स्टेट आना जाना या इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना टोल बढ़ना बेहद नाजायज है राजा। बिल्कुल, वाकई में कहीं ना कहीं इसको हम वसूली कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक ही राज्य में इतना बड़ा, इतना महंगा टोल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब हम एक ही राज्य में है, ना ही हम अदर राज्य में जा रहे हैं, ना ही हम कोई लंबा रूट कहीं ना कहीं तय कर रहे हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद अप डाउन लोगों को इतना अप डाउन जो लोग करते हैं उनको इतनी कहीं ना कहीं मार, जो हैवी व्हीकल्स हैं 75 रुपए, और जो नॉर्मल जो व्हीकल्स हैं जो डेली अप डाउन कहीं ना कहीं करते हैं तो उनको जो 38 रुपए पहले पे करना पड़ता था, 45 यानी कि 45 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है नंदनी, और साफ तौर पर जिस तरीके से जो टोल के रेट कहीं ना कहीं बढ़े हैं, साफ तौर पर लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोग लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार समाधान निकाले, क्योंकि जिस तरीके से अन्य सामग्री सामानों की बात करें, चाहे सब्जियों की बात कर लें हम, चाहे तेल की बात कर लें, या फिर दालों की बात कर लें, या फिर जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो लोगों को काफी ज्यादा मार यहाँ पर झेलने को देखनी पड़ रही है। साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, पर लोग ये चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। जी जी बिल्कुल, तो इस मामले में क्या लगता है कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से पुनर्विचार किया जा सकता है, किसी तरह की शिकायत जो है लोगों की तरफ से लगाई गई है टोल के रेट्स बढ़ने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, साफ तौर पर हम सुबह से ही गुरुग्राम और फरीदाबाद टोल पे मौजूद हैं, लोगों से साफ तौर पर हमारी बातचीत हुई है, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, पर साफ तौर पर जो मैनेजर है हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रीजन क्या है, किस रीजन से टोल को कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं कई बार देखने को मिलता है कि अपनी मनमानी कहीं ना कहीं टोलकर्मी, टोल के जो अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि अदर स्टेट में नहीं जा रहे, उसके बावजूद भी इतना महंगा रेट, साफ तौर पर लोगों पर कहीं ना कहीं डबल अटैक है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो सरकार से लगातार गुहार यही कर रहे हैं कि सरकार के बारे में जरूर ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जरूर इस मामले में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि लोगों पर लगातार महंगाई की मार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान है, पहले पेट्रोल डीजल, उसके बाद खाद्य सामग्री, और अब जिस तरीके से टोल के रेट महंगे हो गए हैं, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल राजा, महंगाई की तो बात अगर करें तो कहीं ना कहीं लोग अब बेहद इमोशनल होने लगे हैं, कई रिएक्शंस हमारे पास भी आते हैं कि आम आदमी अब बीच रास्ते में खड़ा हुआ है, एक तरफ कोविड की मार, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की इनकम जो है वो कम हो गई, या कईयों की तो इनकम खत्म ही हो गई, लोगों के दुकानें बंद पड़ी हुई है, मार्केट्स पूरी तरीके से बंद है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कोरोना के डर की वजह से लोग बाजारों की तरफ जा भी नहीं रहे हैं, तो बिजनेस क्लास भी परेशान है, नौकरी पेशा आदमी भी परेशान है, और ऊपर से ये तीसरी मार जो है महंगाई की पड़ रही है। कैसे? दूध के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के हर दिन बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ गया, इसके अलावा जो है अब जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप दोनों तरीके से महंगा कर रहे हैं, आपने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा हुआ, अब आपने टोल के रेट बढ़ा दिए तो जाहिर तौर पर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ज्यादा बढ़ेगा, जिसका असर ये होगा कि फल, फ्रूट, दाल, खाने पीने का सामान सब कुछ महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से पहले ही मैंने जिक्र किया कि ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की जो रेट कहीं ना कहीं बढ़े हैं, साफ तौर पर उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि सारी जो चैन है कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आती है। तमाम जिस तरीके से हम बात करें
पेट्रोल डीजल के रेटों की। तो साफ तौर पर जो अलग अलग राज्यों से कहीं ना कहीं जो व्हीकल सामान को लेकर, खाद्य सामग्री को लेकर, फल फ्रूट को लेकर आते हैं, तो साफ तौर पर उसका असर देखने को मिलता है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जनता को कहीं ना कहीं ये बोझ कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। साफ तौर पर जो ऑयल कहीं ना कहीं 150 के करीब मिलता था, वो अब साफ तौर पर 200 के पार पहुंच गया है। जो खाने वाला ऑयल है जिसमें हम घर में यूज करते हैं, तो ऐसे में चाहे सब्जियों की बात करें, सब्जियों के रेट भी कहीं ना कहीं आसमान छू रहे हैं। तमाम जो खाद्य सामग्री है जो नॉर्मली ही डेली बेसिस पे यूज होती है, उनके रेट कहीं ना कहीं आसमान छूते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके से टोल के रेट बढ़ गए हैं, साफ तौर पर जनता काफी ज्यादा परेशान है। जनता को उम्मीद है कि मोदी सरकार और खट्टर सरकार इस बारे में कुछ डिसीजन लेगी, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से लगातार आज काफी दिनों से लगातार जो तेल है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं, लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उस लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा पहले ही नजर आया। विपक्षी पार्टियों की बात करें नंदनी, तो विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं इस मौके को भुनाना नहीं चाहती। साफ तौर पर चाहे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, लगातार ट्वीट करके कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांगते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आप लोगों से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। ऐसे में जनता पर कोरोना काल में जनता काफी ज्यादा परेशान थी। तमाम जो ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, साफ तौर पर कमियां नजर आ रही थी। और उसके बाद अब जनता पर दोहरी मार, यहां पर लॉकडाउन हालांकि खत्म हो गया है, अनलॉक की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पर जिस तरीके से अनलॉक होने के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो उसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल सरकार से पूछती हुई नजर आती हैं। पर विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं इस मौके को नहीं भुनाना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी लंबे समय से महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये एक चिंता का विषय है। अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे देश की कहीं ना कहीं डाउन होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देश की सरकार को, मोदी सरकार को या फिर प्रदेश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जनता को जरूर राहत देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक तरफ सत्ता पक्ष जो आंखें बंद करके खड़ा हुआ है और जिसको जो जिसके रेट बढ़ाने हैं वो बढ़ाता जा रहा है, ये तो सीधे तौर पर टोल मालिक, टोल संचालक की मनमानी कहेंगे राजा, कि अभी टोल बढ़ाने के रेट बढ़ाने का क्या तुक है। और दूसरी चीज ये कि सरकार का, प्रशासन का कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है, इसीलिए टोल बढ़ा है, लेकिन अब जब लोग आवाज उठा रहे हैं तो इस पर मंथन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। भाई लोगों को परेशानी है तो आपको टोल कम करना चाहिए। बिल्कुल नंदनी, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनता सरकार को चुनकर भेजती है और जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब भी नई सरकार का गठन होता है, लोगों को उम्मीदें होती हैं कि नई सरकार आएगी, कुछ लोगों को राहत देगी, कुछ पैकेज, राहत पैकेज कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलेगा। पर जिस तरीके से लगातार महंगाई चरम सीमा पर है, लगातार जिस तरीके से लोग काफी ज्यादा परेशान है और अब ऐसे में डबल अटैक देखने को मिल रहा है, प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो टोल है, साफ तौर पर लोकल बेसिस पे ये टोल को हम इसको कहेंगे, क्योंकि एक ही राज्य से, एक ही राज्य की कनेक्टिविटी इस टोल को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। ऐसे में राज्य सरकार को साफ तौर पर इंटरफेयर करना चाहिए, तमाम जो अधिकारी हैं, टोल कर्मी हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आखिरकार किस रीजन से आप लोगों ने इस टोल को बढ़ाया है। क्योंकि इतना ज्यादा कहीं ना कहीं टोल रेट, साफ तौर पर 6 रुपए का इजाफा और 75 रुपीज का कहीं ना कहीं इजाफा बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बोझ है। पेट्रोल की रेटों में बढ़ोतरी जरूर होती 30-35 पैसे, पर आप देख सकते हैं कि टोल जो केचुए जो रेट है सीधा 6 रुपए, कहीं ना कहीं जो टोल 38 रुपए का था उसको 45 रुपए कर दिया गया, जो हैवी व्हीकल्स का कहीं ना कहीं जो रेट था उसको 75 रुपीज कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में सरकार को सोचना होगा और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देनी होगी। लोगों को उम्मीद है, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को यही उम्मीदें है कि सरकार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगी। लोग लगातार सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के इंटरफेयर के बाद शायद ये जो लोग मानते हैं कि इन टोल जो रेट बढ़े हैं टोल के, क्योंकि ऐसे में सरकार को देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इंटरफेयर करती है। शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राजा पटेल जो बता रहे थे कैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद का टोल बढ़ने के बाद अब लोगों के लिए जो है परेशानियां खड़ी हो गई हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अब लोगों ने खुद आवाज उठाई है और गुहार लगाई है कि इतना व्यस्त रहने वाला ये टोल, जहां से हर दिन 1 लाख के लगभग गाड़ियां गुजरती हैं, उस टोल को ना बढ़ाया जाए। गुरुग्राम फरीदाबाद टोल के रेट्स बढ़े हैं, 5 रुपए से लेकर 75 रुपए के लगभग टोल बढ़ाया गया है, जिसका सीधा असर यहां से ट्रैवल करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि चारों तरफ से महंगाई की मार ऑलरेडी पड़ रही है, ये टोल टैक्स ना बढ़ाया जाए।